स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पीछे की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए टेरिडोफाइट्स के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। टेरिडोफाइट्स क्या है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं। इसके अंदर पहली बार वास्कुलर बंडल्स यानी जाइलम एंड फ्लोएम को देखा गया। टेरिडोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट्स स्टेम और लीफ पाए जाते हैं। हालांकि जो लीफ होते हैं वो उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है कई केसेस में, लेकिन फिर भी इसके अंदर ट्रू रूट लीफ और स्टेम पाए जाते हैं। इसके अंदर जो मेनली दो मेंबर्स हैं वो हैं हॉर्सटेल और फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सोइल बाइंडर्स। तो मेनली इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, कोई डिजीज या फिर कोई डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है आयुर्वेद वगैरह में, एज वेल एज सोइल बाइंडर्स। और वैसे ये सोइल को बांधने का काम करते हैं, सोइल इरोजन को रोकते हैं। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, उसमें भी वो ब्रायोफाइट्स के केस में जिसमें वो सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल जो सजावटी पौधे होते हैं जिनको देखने में अच्छा लगता है, जो घरों में गमलों में रखते हैं, तो वो उसमें भी ये यूज होता है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वास्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम इनके अंदर प्रेजेंट होता है। पहले ऐसे प्लांट जो कि जाइलम एंड फ्लोएम जिनके अंदर होता है वो होते हैं टेरिडोफाइट्स, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। यू शैल स्टडी अबाउट मोर दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। तो आप चैप्टर 6 में पढ़ेंगे इसके बारे में। द टेरिडोफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेस। दोसम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोइल कंडीशंस। तो ये ऐसे मॉइस्चर डैम्प और शेडी प्लेसेस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक जो सोइल जहाँ पर है या फिर सैंडी सोइल है मतलब जहाँ पर पानी कम है वहाँ भी हो सकते हैं। हालांकि इसके पास वास्कुलर बंडल्स हैं, लेकिन ये इनको भी थोड़ा वाटर के आसपास ही मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट चाहिए इनको फोटोसिंथेसिस के लिए और अपना रिप्रोडक्शन वगैरह के लिए, लेकिन ये लैंड के ऊपर हो सकते हैं तभी इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोला गया। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच हैव वेस्कुलर टिश्यूज। आगे देखिए, यू मे रिकॉल इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज गैमेटोफिटिक प्लांट। मैंने आपको जो पढ़ाया था तो उसमें देखा था कि जो एल्गी और जो ब्रायोफाइट्स हैं उसके अंदर जो डोमिनेंट जो स्टेज होती है, हम कहेंगे लाइफ साइकिल के अंदर दो चीज़ें होती है, गैमेटोफिटिक स्टेज होती है ये हम फेज कहते हैं, एक स्पोरोफिटिक होती है। तो इन दोनों के अंदर एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो डोमिनेट करती है, मतलब ज़्यादातर लाइफ टाइम के दौरान यही प्रेजेंट रहती है, कुछ समय के लिए स्पोरोफाइट फेज आता है। लेकिन टेरिडोफाइट से स्टार्ट होकर के अब क्या होगा? हाउएवर इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, विच इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। स्पोरोफाइट होता है मेन प्लांट बॉडी, उसी के ऊपर जो है वो गैमेटोफाइट ग्रो करता है कुछ फेज के लिए, वहाँ फिर स्पोर्स बनते हैं, फिर वो स्पोर मेल और फीमेल स्पोर जब फ्यूज होता है फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वो जहाँ भी वो ग्रो करता है सीड या हम कहेंगे स्पोर्स, तो फिर वो नया टेरिडोफाइट बनाता है। तो इस केस में क्या है, जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड है एज स्पोरोफाइट, मेन जो फेज है वो स्पोरोफाइट फेज है, और ये टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तीनों में होता है, और ये डिफ्रेंशिएटेड है ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ के अंदर। दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफ्रेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम वेल डिफ्रेंशिएटेड अच्छे से डेवलप होते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। तो लीफ जो होती हैं वो स्मॉल हो सकती हैं, उसको कहते हैं माइक्रोफिल्स एज इन सेलाजिनेला। तो स्मॉल होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल इसका सेलाजिनेला है, और जो लीफ है वो लार्ज भी हो सकती हैं जिसको हम कहते हैं मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। तो आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर डायग्राम, उसमें आप देख सकते हैं सेलाजिनेला है और फर्न्स है। सेलाजिनेला के केस में माइक्रोफिल्स बोलते हैं और फर्न्स के केस में मैक्रोफिल्स बोलते हैं। फिल्स का मतलब होता है लीफ, माइक्रो मतलब स्मॉल और फिल्स मतलब लीफ, मैक्रो मतलब लार्ज और फिल्स मतलब लीफ। अब देखिए द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरिंजिया। अब स्पोरिंजिया क्या है? दैट आर सबस्टेंडेड बाई लीफ लाइक अपेंडेजेज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तीन चीज़ें हैं, एक माइक्रोफिल्स, मैक्रोफिल्स हम समझ चुके हैं कि भाई अगर लीफ छोटी है तो उसको माइक्रोफिल्स कह रहे हैं, अगर लीफ किसी केस में बड़ी है तो उसको मैक्रोफिल्स कह रहे हैं, जैसे कि फर्न के अंदर। लेकिन स्पोरोफाइट्स
की जो स्टेज होती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, उस केस में जब वहाँ पर एक स्ट्रक्चर आता है, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, तो जो स्ट्रक्चर है ये है स्पोरिंजिया। तो स्पोरिंजिया के अंदर क्या होते हैं, जो स्पोर्स जो बनने होते हैं स्पोरिंजिया के अंदर वो होते हैं, स्पोरिंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स अब क्या करेंगे उसके अंदर मेल और फीमेल वो जो गैमिट्स हम कहेंगे वो मिलते हैं। तो स्पोरिंजिया क्या है भी, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर के स्पोर्स रहेंगे, इसके अंदर मियोसिस होता है और गैमिट बनते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जो कई लीफ होती है इसको सराउंड कर लेते हैं, सभी को सराउंड कर लेते हैं इसके चारों ओर। जैसे कि आपने पत्ता गोभी देखी होगी, तो गोभी के अंदर, पत्ता गोभी के अंदर जो लीफ होती है वो एक जगह उसको सराउंड करके रखती है, तो ऐसे ही इसको भी सराउंड कर लिया जाता है। तो ऐसी जो लीफ होती हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस जो इसको सराउंड करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। कन्फ्यूज नहीं होना है, स्पोरोफिल्स अलग चीज़ है, मैक्रोफिल्स और माइक्रोफिल्स अलग है। इन सब के सीधे स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। देखिए अगले पेज के ऊपर मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये है आपका स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस क्या है, ये लीफ ही है, और इसके अंदर क्या है, इसके चारों ओर ये स्मॉल स्मॉल हैं, ये लीफ हैं, लीफ अपेंडेजेस हैं जो इसको कवर कर लिया है। किसको कवर किया है, तो स्पोरिंजिया को, जिसके अंदर की स्पोर्स हैं, जिसको हम स्ट्रोबिलाई बोल देते हैं, कॉन्स बोल सकते हैं, जैसे कि सेलाजिनेला और इक्विसेटम के अंदर होता है। द स्पोरिंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। तो स्पोरिंजिया होता है उसके अंदर मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं फ्रॉम स्पोर मदर सेल। तो एक स्पोर मदर सेल होती है, उसके अंदर मियोसिस होती है और वहाँ से स्पोर्स बनते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्सिपिकस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, गैमेटोफाइट डेवलप हुए, कहाँ हुए हैं ये जब आपके जो स्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं तो फ्री लिविंग होते हैं, फोटोसिंथेटिक ही होते हैं मोस्टली, और थैलोइड गैमेटोफाइट होते हैं प्रोथैलस। अब क्या हो जाए, दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेसेस टू ग्रो। वही कंडीशन है कि भाई वही आपको कूल एरिया चाहिए, डैम्प और शेडी एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इसी की वजह से ये क्या है, ये जो टाइडोफाइट्स होते हैं कुछ एक एरिया के अंदर ही ये ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टाइडोफाइट्स इज लिमिटेड, वही बताया गया है, जो लिटर में जो टाइडोफाइट्स की जो स्प्रेड करने की जो फैलने की क्षमता है वो लिमिटेड है, क्योंकि इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। द गैमेटोफाइट्स के अंदर क्या होते हैं, गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। गैमेटोफाइट के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। मेल को कहते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल को कहते हैं आर्चिगोनिया रेस्पेक्टिवली। तो ट्रांसफर जो होता है वो वाटर से होता है, तो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स मतलब द मेल गैमेट विच इज रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया। अब वो कहाँ वाटर के थ्रू ट्रांसफर होकर माउथ ऑफ आर्चिगोनियम तक जाते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। तो जो गैमेटोफाइट है उसके अंदर एंथ्रीडिया है और आर्चिगोनिया है, वहाँ पर एंथ्रोजोइड्स बनते हैं जो हम कहते हैं मेल गैमेट, वो वाटर के थ्रू आर्चिगोनिया तक पहुँचते हैं और वहाँ पर ये फ्यूज करते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन होता है और वहाँ पर जायगोट बनता है। जायगोट देयरफॉर प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइटिक स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टाइडोफाइट्स। तो जो जायगोट है वो क्या करेगा, जायगोट प्रोड्यूस करेगा एक स्पोरोफाइट को जो कि मल्टी सेलुलर रहेगा और वेल डिफ्रेंशिएटेड रहेगा, जो कि डोमिनेंट फेज होता है टाइडोफाइट्स का। इन मेजोरिटी ऑफ टाइडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। अब स्पोर्ट्स की बात करें तो ज़्यादातर जो मोस्टली जो स्पोरोफाइट्स के अंदर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं दिखने में। सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। तो ऐसे जो टाइडोफाइट्स होते हैं उसको होमोस्पोरस होते हैं, यानी टाइडोफाइट्स के अंदर मोस्टली होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है। जनरल लाइक सेलाजिनेला साल्विनिया विच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसके अंदर दो तरह के स्पोर्ट्स बनते हैं, कौन से दो इसके अंदर जीनस बताए हैं, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। इसके अंदर दो तरह के स्पोर्ट्स बनते हैं, एक लार्ज होता है और एक स्मॉल। लार्ज को मैक्रो कह रहे हैं, स्मॉल को माइक्रो कह रहे हैं, उसको हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। तो हेट्रोस्पोरस वो कॉमन कंडीशन नहीं है, रेयर मिलती है, कौन से जीनस में मिलती है, तो सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। अब देखिए जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। जो हमने पहले देखा वैसे ही जो स्पोर्ट्स जो होते हैं वो जर्मिनेट करेंगे, फ्री लिविंग होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, उसके बाद वो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को डेवलप करेंगे। अब इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स। तो इसके अंदर जो फीमेल जो होता है, जो हम कहते हैं आर्चिगोनियम, वो जो प्लांट होता है उसी के ऊपर ही रहता है कुछ समय के लिए, वेरिएबल पीरियड के लिए। और जो एंथ्रोजोइड्स होते हैं, जो फीमेल गैमेट, जो मेल गैमेट है, वो वाटर के थ्रू
ट्रांसपोर्ट हो करके यहाँ तक पहुँचता है स्पोरोफाइट तक, जहाँ पर कि ये फीमेल गैमेटोफाइट को अटैच किया गया है। और वहीं पर क्या होता है, जायगोट बनता है, जायगोट की डेवलपमेंट होती है और वो यंग एम्ब्रियोज के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही बनता है। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। और ये जो इवेंट है जो अभी थोड़ी थोड़ी सी डेवलप होने लगी है, मतलब सीड हैबिट, बीज बनाने की जो आदत है प्लांट की, वो यहीं से डेवलप हुई है। इसी टेरिडोफाइट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल डेवलप नहीं हो पाएगा, लेकिन जो ये प्रोसेस है वो आगे जा करके सीड हैबिट के अंदर ही काउंट होगा, जो कि इवोल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सीड हैबिट कहाँ पर डेवलप हो रही है। तो टेरिडोफाइट्स के अंदर, जिसमें कि जो मेगास्पोर है वो पेरेंट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर ही रहता है, और जो माइक्रोस्पोर है यानी जो मेल गैमेट है वो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के इसके पास आता है, जायगोट बनता है, और यंग एम्ब्रियोज को ये फीमेल गैमेटोफाइट अपने पास ही देखभाल के रखते हैं। और बाद में ये डेवलप होता है, तब ये नई जगह पर जब गिरता है तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो करता है। अब देखिए टेरिडोफाइट्स को हम आगे चार क्लासेज के अंदर डिवाइड करते हैं। फ्लोपसिडा, जिसके अंदर की एग्जांपल इसका फिलोटम, लाइकोपसिडा एग्जांपल है इसका सेलाजिनेला एंड लाइकोपोडियम, स्फिनोपसिडा जिसका एग्जांपल है इक्विसेटम, एंड टेरिडोपसिडा जिसका एग्जांपल है ड्रायोप्टेरिस टेरिस एंड एडियटम। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, सिर्फ आपके क्लासेस के नाम और एग्जांपल बताए गए हैं तो इनको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका प्लांट किंगडम के अंदर आता है वो है जिमिनोस्पर्म्स।